हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे दाल, चावल, पूरी, पराठे, किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिए, सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर का समय है और मैं कर रही हूं लंच की तैयारी, तो साथ ही मैं बना रही हूं टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटनी। ये तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और साथ ही एक छोटा गांठ लहसुन का लिया है, और इसको हम ये रोटी बनाने वाली जाली है उस पर इस तरीके से रखकर इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके धीमी धीमी आंच पर इसे हम अच्छे से पका लेंगे, यानी कि सिकने देंगे। इससे हमारे टमाटर अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और लहसुन को भी हम इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सिकने देंगे। और इस तरीके से जब लहसुन को चटनी में सेक कर डालते हैं ना, चाहे आप चूल्हे पर बनाएं या फिर इस तरीके से गैस पर, बहुत ही जबरदस्त उसमें टेस्ट और फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने दो लाल मिर्च ले ली है और इसे भी मैं गैस की फ्लेम पर ही, बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो करके हल्का सा सेक ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे तवे पर सेक सकते हैं या फिर एक बूंद तेल में आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर इन सब चीजों को अच्छे से सेक कर यानी पका कर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चीजों को गैस की फ्लेम को लो करके ही इसको पकाएं, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी पकेंगे नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को लो करके ही इसे अच्छे से सेक लिया है और मिर्च हमारी अच्छे से सिक गई है, तो मैं इसे हटा लेती हूँ। साथ ही मैंने उधर कुकर में सब्जी भी बना ली है, तो आज मैंने काबुली चने और लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार की है और साथ ही ये टमाटर की चटनी भी बना रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, टमाटर लहसुन को धीमी धीमी आंच पर हम पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और उसमें ये मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प, यानी पकी हुई इमली। इसको हमें पल्प निकाल कर इसका रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, इस इमली में बीज हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हाथों से मैश कर ले रही हूँ। इससे इसका पल्प जो है वो निकल जाएगा और बीज वगैरह जो है मैं इस तरीके से छान कर अलग कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे छान लिया अच्छे से और यहाँ हमारे टमाटर और लहसुन भी अच्छे से पक गए हैं लगभग। तो बस इसको उलट पलट कर थोड़ी देर और पकाती हूँ। और इधर हमारी सब्जी भी बनकर तैयार है, तो मैं आप लोगों को सब्जी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लौकी और काबली चने की सब्जी बनती है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये अपलोड है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चने की दाल और लौकी की सब्जी या फिर दाल तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से काबुली चने और लौकी आलू की सब्जी बनाकर देखिए, सच में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगती है। चलिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन गई है। इसे मैंने कुकर से खाली करके साइड में रख दिया है और इधर हमारे लहसुन और टमाटर भी अच्छे से सिक गए हैं, पक गए हैं अंदर तक। तो बस मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इस तरीके से प्लेट में हम निकाल लेंगे और ये इतने अच्छे से पक जाते हैं कि इसके सारे छिलके देखिए इजीली निकल जाते हैं। तो बस हाथों से हम इसके ऊपर के छिलके निकाल देंगे इस तरह से और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये चटनी मैं मिक्सर ग्राइंडर के जार में नहीं बनाने वाली हूँ और ना ही सिलबट्टे पे। वैसे तो चटनी का जो असली स्वाद आता है वो सिलबट्टे पर ही बनाने पर आता है, लेकिन आज मैं इसे चॉपर में बनाकर रेडी करने वाली हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा चटनी खाना मुझे ही पसंद है। मुझे चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, मैं लगभग खाने के साथ चटनी ज़रूर सर्व करती हूँ। मेरे हस्बैंड खाते हैं लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें इस तरीके से बनाकर ये चटनी खिलाई तो ये उनकी फेवरेट चटनी हो गई, उन्हें बहुत ही टेस्टी लगी। तो आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियों को छील लिया है और कुछ को बिना छीले छिलके समेत ले लिया है और डाल दिया है चॉपर में। साथ ही टमाटर को भी मैंने 3-4 टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया था, इसको भी डाल दिया है। क्योंकि टमाटर पके हुए हैं तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। साथ ही मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और बस इसको हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये कुछ इस तरीके का हो जाए, यानी कि प्याज के और टमाटर के टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, तब हम इसे एक बार इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमने इमली का पल्प बनाकर रखा है ना, उसको भी इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से चॉपर को 4-5 बार चलाएंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी ये पिस जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चटनी को बिल्कुल पेस्ट की तरह, यानी कि चटनी की तरह नहीं पीस कर तैयार
तैयार करना है उसे हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो देखिए चॉपर में ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। लहसुन प्याज के छोटे छोटे टुकड़े और टमाटर के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो मिर्च को अच्छे से सेक कर रखा था ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। और इस तरह से तोड़ने के बाद हम ये चटनी एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी चटपटी टमाटर की बनकर बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।